नमस्कार दोस्तों, कहानी का नाम है चाची के आंसू। और भी अलग अलग प्रकार की कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। रचना की नई नई शादी हुई थी। एक दिन रचना रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसका 4 वर्षीय भतीजा रौनक रसोई में आया और थोड़ी देर में वहाँ से चला गया। वह हॉल में पहुँचा, वहाँ परिवार के सभी सदस्य साथ बैठे हुए थे। रौनक की दादी मटर छील रही थी। वो उनके पास गया और बड़ा ही गंभीर चेहरा बनाकर अपनी तोतली आवाज में बोला, दादी दादी, नई चाची ना किचन में लो लई है। रौनक की बात सुनकर सब अपना अपना काम छोड़कर रौनक की तरफ देखने लगे। उसकी दादी ने कहा, क्या हो गया नई बहू को, वो रो क्यों रही है? चलो उससे पूछते हैं, क्या उसे कोई बात बुरी लग गई या फिर मायके की याद आ रही है। सारे सदस्य मिलकर तुरंत रसोई में पहुंच गए। रचना ने सबको इस तरह एक साथ रसोई में आया हुआ देखा तो चौंक गई और घबरा कर पूछने लगी, क्या बात है, सब ठीक तो है, आप सभी यहाँ एक साथ कैसे? उसकी सास ने कहा, वही तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं, सब ठीक तो है, तुम रो क्यों रही हो? रचना ने अचकचा कर कहा, मैं क्यों रोऊंगी? तब तक रौनक बोल पड़ा, नहीं नहीं चाची छुपा रही है, मैं जब आया था तो चाची छच में लो लाई थी। उसकी बात सुनकर रचना ने प्यार से उसे गोद में उठा लिया और ठहाका लगाकर हंसते हुए सबसे बोली, अच्छा वो तो मैं प्याज काट रही थी, इसलिए मेरी आंखों से आंसू निकल रहे होंगे, यही शैतान ने देख लिया होगा। वो दुलार से रौनक का गाल खींचते हुए बोली। उसकी बात सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई होगी। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।